नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा विकास प्राधिकरण ने 28 बीघा क्षेत्रफल में बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान एक व्यवसायी भवन को भी सील कर दिया गया है। दरअसल बिना नक्शे में पास किए इन अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड की टीम जिला अस्पताल पहुंची। दरअसल दिल्ली से आई 2 अफसरों की ये टीम जिला अस्पताल को दी गई सुविधाओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान मरीजों से दवा और टेस्ट के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अस्पताल को NQAS का दर्जा मिलने की बात हो रही है। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोट आ गई है। महिला की हालत नाजुक होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां देश में बढ़ती महंगाई को लेकर एक बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। महंगाई से परेशान इस नन्ही सी बच्ची ने पीएम मोदी को पत्र के जरिए पेंसिल, रबर, मैगी के दाम घटाने की अपील की है। इस चिट्ठी को बाकायदा पोस्ट कर दिया गया है, जिसके बाद ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के जालौन से एक हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरा खेड़ा में एक पत्नी ने देर रात सोते समय शराबी पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सुल्तानपुर बिलोनी गांव में कुछ उपद्रवी बच्चों ने एक वृद्ध की ईंट से मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही उस वृद्ध की मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। परसों की घटना है। जानकारी ये मिली कि मामूली से विवाद में बहस नहीं हुई और धक्का दे दिया था, जिससे उसके बाद में पोस्टमार्टम में जानकारी हुई कि सिर पर चोट लगी है, ब्रेन हेमरेज है, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। बहुत जल्दी इसे गिरफ्तार होंगे और खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हैं सर? नेम दो, उसमें 5 हुए हैं।3 लोग दुर्घटना की चपेट में आ गए, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां दिनदहाड़े लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपराधियों की मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बदमाशों के पास से 7 लाख के सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी SP राजेश सिंह ने प्रेस वार्ता में दी है। काफ़ी सोना चांदी इनका हुआ था और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन संयोग से CCTV फुटेज मिल जाने से पुलिस को बहुत सारा सहयोग मिला और 18 घंटे के अंदर दोनों अभी पकड़ लिए गए हैं। 100% माल की रिकवरी हुई है। सोना चांदी अभी उसने फायर भी किया पुलिस के ऊपर, पेड़ में इसको पहुँचा गया है, अच्छा भी बरामद हुआ है। कुल 7 लाख रुपये कीमत के जेवरात बरामद हुए हैं और ये सनसनीखेज चोरी का खुलासा 18 घंटे में किए जाने पर मैं पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दे रहा हूँ। खबर पीलीभीत के कोतवाली बिसलपुर इलाके के ग्यासपुर से है, जहां आज सुबह चीनी मिल के मुख्य कार्यालय के सामने जंगल में पेड़ के नीचे एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मृतक के परिवार वालों को चीनी मिल के ही एक कर्मचारी ने दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
खबर गदरपुर से है, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। दरअसल ये मामला नशा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। मामले को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सितारगंज और नानकमत्ता में कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जहां शिव सेवा कांवड़ समिति के तत्वाधान में सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके साथ ही 5 दिवसीय रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया गया। इस कलश यात्रा का पर्व है, लोग कांवड़ लेके आते हैं, माताएं बहने नहीं जा पाती है, इसलिए माताएं बहने ने कलश यात्रा जो है कलश कांवड़ यात्रा निकाल करके और यहाँ धारक मता से और अपने ज्ञानपुर मंदिर में नंदीश्वर दरबार में जाकर ये जल चढ़ाएंगे। और ये अपना अपना सब सौभाग्य है और अपने अपनी सब मनोकामना का पूर्ण। खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी के ITI कॉलेज में परीक्षा के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल 8 छात्रों का परीक्षा कॉलेज प्रशासन ने नहीं लिया। बता दें कि कॉलेज प्रति छात्र से 4,000 से 10,000 तक की अवैध वसूली की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 4 साल से प्रधानाचार्य जबरन अवैध वसूली करा रहे थे। छात्र अगर इसका विरोध करते हैं तो उनका भविष्य खराब करने की धमकी दी जाती है। ऐसा कोई प्रकरण भी संज्ञान में नहीं आया है। आज सुबह 2 बच्चे जरूर आए थे, उन्होंने बताया कि सर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ इसलिए मैं पढ़ने नहीं आ पाया और अब मेरा हॉल टिकट सर मुझे नहीं दिया है तो मैं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है, आपका रिकॉर्ड देखिए तब हम बताएंगे, अभी मैं राउंड पर आऊँगा तो उसमें बैठने करके आपको कहा जाएगा। दूसरा बच्चा का कहना ये था कि सर मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और मैं लंबे समय पढ़ने नहीं आ पाया तो मेरा जो है सर नाम काट दिया और मैं परीक्षा से वंचित हूँ। मेरे कहा ठीक है, क्योंकि सर हमारे यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था में करीब 1.5 महीने पहले ही सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। औरैया में महिलाओं और बुजुर्गों से जालसाजी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। SP चारू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा कर बताया कि इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से सोने और चांदी के लाखों रुपए की कीमती जेवर बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। विगत कुछ दिनों से महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाएं और 30-40 साल से ऊपर की महिलाओं के साथ टप्पेबाजी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिनमें जो ये गैंग है जिसका भी पर्दाफाश किया जा रहा है, उसमें ये लोग महिलाओं को अपने मतलब समझाते थे कि आपके साथ किसी प्रकार की घटना होने वाली है और ऐसा है। ये गैंग के रूप में आते थे, आपस में बात करके इन लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लेते थे कि अच्छा ये सही बता रहा है, बाबा बन गए और आपके साथ हुआ था, वो दूसरा बोलता था हाँ हाँ ऐसा हुआ था। इसी प्रकार से बुज़ुर्ग लोगों को ये बहलाते थे, फुसलाते थे कि अच्छा आपके ऊपर बहुत संकट आने वाला है, आप ये दीजिए, आगे जाइए 10 कदम, आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से ये पूरी कहानी गढ़ के काम करते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।